Hello everyone, my name is Dhananjay Singh Tomar. Today in this video, I am going to show you the interview of various doctors, that harsh reality of the life of a doctor, what type of problems are faced by doctors, and how much sacrifice they have to do to save their patient. So let's begin the video. We are not only doctors, we are also a human being. Doctors are humans, the patients are also humans. Jo hamare duty hours hai, wo bahut harassment provide करता है. So they are intensely overworked, they are intensely understaffed. तो डॉक्टर क्या करे? Superhuman नहीं है, भगवान भी नहीं है. इंडिया में देखा जाए तो हर अपने माँ-बाप का यही सपना होता है, अपना बच्चा डॉक्टर बने. वैसे ही मेरा था. When a patient is so thankful to you that Doc Sahib, you just saved my life, that feeling, I thought that if just by seeing it I feel so good, when a patient will say that to me, how good will I feel when it actually happens with me. मेरा शुरू से ही expectation था कि मैं एक doctor बनूँ. घर वाले भी चाहते थे. Wanted to become a doctor is that I wanted to make a large impact on the masses. मन में hope था कि I'll do something for the society, I'll do something for the poor. मेरी जो family थी, it was a purely doctor family. तो एक बचपन से एक mindset था मेरा. My dad always wanted me to be a doctor and I also wanted to be one. मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक doctor बनूं. Once I became a resident doctor, some of the illusions which I had got completely shattered. That it is not all hunky dory on the other side. पर जब यहाँ पे आया तो कुछ और ही कहानी पता लगी. अब तक रियलिटी नहीं बता रही कि सिचुएशन क्या है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है. मतलब उस सोसाइटी में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है. हमने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. मतलब जितनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत अगर किसी और फील्ड में करें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर रहेगा. अब ऐसा लगता है. वर्किंग आवर्स 12 आवर्स ऑन पेपर होता है, बट वो बढ़ के कब 24, 36 और 48 हो जाते हैं ये आपको नहीं पता रहता. A junior doctor or a senior doctor, whosoever is there on the duty, has to face a patient load of minimum 200, 500 to 1000 per day. और वहाँ ना वही हमेशा की तरह कि स्टाफ नहीं है. स्टाफ क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ने शायद हायर करने की कोशिश नहीं की. ना दिन का सही से सो पाते, रात दिन यहाँ पे एक ही तरह का है. इन अ रेसिडेंट डॉक्टर्स लाइफ, दैट डेफिनेशन ऑफ रेस्ट आफ्टर अ 36 आवर शिफ्ट इज यू विल बेयरली गेट टू स्लीप फॉर वंस फॉर लाइक 6 or 7 आवर्स एट द मोस्ट. इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, इंटर्नशिप में भी वी वर नॉट बीइंग पेड डिस्पाइट वर्किंग फॉर सो मेनी लॉन्ग आवर्स लाइक 36 आवर्स. जो हमारे काफी सारे सीनियर्स की हमेशा की फेवरेट लाइन होती है कि हमने तो अपने टाइम में 72 आवर्स तक किए, हमने तो अपने टाइम में 82 आवर्स तक किए, हमने तो अपने टाइम में ये सब किया. तो अब हम लोग वही बोलते हैं कि यार ठीक है, वो टाइम था आपने किया, बट क्या ये जरूरी है कि आप उसी इनजस्टिस को कैरी फॉरवर्ड करें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए. एवरी टाइम अ डॉक्टर टू इवन फॉर अ बेसिक नेसेसिटी फॉर लिविंग अ वर्किंग कंडीशन, दे हैव टू कीप देयर फुट डाउन एंड गेट ऑन अ स्ट्राइक टू प्रेजेंट देमसेल्व्स. यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड तो काफ़ी, यानी कि हम लोग से आउट ऑफ कंट्रोल का है. इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी, रूम का सही कंडीशन नहीं है. नाउ द वर्किंग कंडीशंस आर नॉट ऑलवेज एट पार. मेरा मानना है कि मुख्य समस्या यही है कि हमारे देश में जो डॉक्टर और मरीजों का रेशियो है वो बहुत ही कम है. हमारे पास डॉक्टर्स बहुत कम है जबकि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है. और इसके साथ ही हमारा जो प्राथमिक और सेकेंडरी लेवल का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे हमारे पास एडुकेट स्टाफ नहीं है, ना ही हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, मेडिसिंस भी नहीं है हमारे पास. 3 महीने तक वर्किंग रेजिडेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को सैलरी ही नहीं मिली, जिनके हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर हैं. आप इमेजिन कर सकते हैं वो फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी जिसको 3 से 4 महीने तक सैलरी ही ना मिली. और फिर जब वो उसके लिए स्ट्राइक पे जाते हैं फिर लोग बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि डॉक्टर्स तो स्ट्राइक कर रहे हैं. यहाँ हमारे यहाँ मिनिमम टू मिनिमम 100-150 तक पेशेंट हम लोग देखते हैं, और ये मैं आपको बहुत ही माइनर फिगर बता रहा हूँ. पर डे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट होता है एक किसी भी नॉमिनल ओपीडी में आप चले जाइए वहाँ पर. फिर उस सब में अगर कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, या क्योंकि सबको तो नहीं बचाया जा सकता,
आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक साइंस है हमारे पास, हम उस हिसाब से कोशिश करते हैं। ठीक है, हर बार रिजल्ट वो नहीं आ पाता जो हम चाहते हैं, तो उस सब का खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। हमें अच्छा नहीं लगता बाहर का खाना खाना, लेकिन जब हमें प्रॉपर अच्छा सा खाना ही नहीं मिलेगा, हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, तो हम अगले दिन ड्यूटी क्या कर पाएंगे। फर्स्ट डे रेजिडेंट को ये ट्रीट कराया जाता है कि तुम इस दुनिया के सबसे नाकारा इंसान हो। ह्यूमिलिएशन जो कि एक पार्ट बना दिया गया है, अगर उसके कोई अगेंस्ट बोलता है तो उसको कहा जाता है कि ये तो मतलब एक आंखों में खटकने वाली बात हो जाती है डिपार्टमेंट में कि अच्छा ये कुछ नया आया है। इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन मिलता है हमें सीनियर्स के द्वारा कि अरे तुमने इसका बीपी नहीं लिया, इसका पल्स नहीं लिया, एंड वन पर्सन इज़ मैनेजिंग 150 ऑड पेशेंट्स इन अ वार्ड। इसके अलावा इमरजेंसी में कितने आते कितने जाते हैं, उसका डॉक्टर को खाना खाने का पानी पीने का होश नहीं रहता, नींद तो भूल जाइए, क्या होती है नींद हमें नहीं पता। What has happened to me is when I was working in a rural setup, people used to come and call me a sister. And even when there were boy nurses working, they would come and call them doctor. So somewhere down the line, in the Indian mindset, we don't see a female as a doctor. And all the time you are facing pressure from your seniors, क्योंकि you have to do this, you have to do that, you have to see this patient, you have to see that patient, you have to do this. 10 साल बाद 20 साल बाद जब मैं एक HOD या किसी कंसल्टेंट पोस्ट पे पहुंचूं, तो क्या ज़रूरी है कि मैं उसके साथ वही व्यवहार या वही परेशानियां क्रिएट करूं उसकी लाइफ में जो आज मेरे साथ हुई हैं, ये साबित करने के लिए कि क्या वो इतना कॉम्पिटेंट है। कई बार इंस्ट्रूमेंटल फेलियर तक का खामियाजा डॉक्टर्स को भुगतना पड़ा, ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं जहाँ अगर कोई मशीनरी फेलियर था या कोई एम्बुलेंस का फेलियर था कि पेशेंट टाइम से नहीं पहुँच पाया हॉस्पिटल, उसका भी जो बाद में ब्लेम लगा है वो डॉक्टर पे लगा है कि आपने सही से काम नहीं किया। अगर वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, अगर दीवारें झड़ रही है, अगर कोई दवाई हॉस्पिटल में नहीं है, तो डॉक्टर क्या कर सकता है, अपने घर से तो नहीं ला सकता। For past 6 years we have been fighting for a hostel for resident doctors, until now there has been no plan for it. We are more than 1,000 resident doctors and we have only one hostel which has only 80 rooms. Accommodation nahi milti. First thing, bahut jagah accommodation hai to proper mess facilities nahi hai. Agar aapko din mein 5 baar pani peena to aapko 5 baar water bottle khareed ke lana padega. Water coolers tak nahi hai. Basic amenities nahi hai. Sambhal pana bahut mushkil hai aur infrastructure khas kar government medical college ki infrastructure wo थोड़ा सा अभी उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। हमारा जो हॉस्टल रूम है वो पूरे एक कह देते हैं बिल्कुल एक 1x2x2 के कमरे, छोटे छोटे कमरे हॉस्टल रूम, प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं। हमारी मजबूरी है कैंपस में रहना, वो इसलिए मजबूरी, बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम बाहर से हैंडल नहीं कर पाएंगे। सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो होने चाहिए सभी ये प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में या PHC लेवल पे या छोटे छोटे सेंटर पे वो नहीं है। मैं क्या ही बताऊँ, अगर कोई खुद जाके जब तक नहीं देखता वो बता नहीं सकता, मतलब आप घुस नहीं सकते वहाँ पे, दे आर सो स्टिंकी, वहाँ के वर्कर्स इतनी फिल्दी कंडीशन में रहते हैं, उनको हाथ धोने तक का तरीका पता नहीं और उन्हीं हाथों से हमें खाना सर्व हो रहा है और हम बीमार होते जा रहे हैं। खाने का क्वालिटी तो बहुत ही खराब है ऐसे, और हम जब नीचे जाते हैं तब भी देखते हैं कि हाइजीनिक भी उतना ज़्यादा हाइजीनिक भी नहीं रहता है, खाना ठीक से नहीं रहता है, और जो किचन है किचन के पास बहुत गंदगी फैला रहता है। Do you think really that they have provided us with proper facilities, they have fulfilled all the responsibilities or they have taken care of the colleges that they have opened? Well, I don't think so. डॉक्टरों की आज जो हड़ताल चल रही है उसके समर्थन में अब देश भर के डॉक्टर्स भी साथ आ गए हैं। डॉक्टर्स अब ऑन स्ट्राइक फॉर अ वीक। द पैन इंडिया स्ट्राइक ऑफ डॉक्टर्स एंटर द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज अनाउंस्ड अ 24-hour नेशन वाइड स्ट्राइक। Were brutally beaten up by 2 truckloads of ghouls.
why people here used to consider doctor earlier as a noble human being, but now people consider that we are their slaves, and now we have been put by the government to serve them. डंडे तक मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं, घूंसे मार देते हैं, फीमेल्स तक को मार देते हैं. अभी रिसेंटली एक दिल्ली में हॉस्पिटल में इंसिडेंट हुआ था, एक फीमेल रेजिडेंट को फीमेल अटेंडेंट ने ही मारा. और अगर बोलते हैं किसी से तो कोई और रास्ता ही नहीं रह जाता स्ट्राइक के सिवा. ये पब्लिक आती है मारने के लिए, इनके फैमिली वाले भी तो होंगे कोई डॉक्टर, या फिर कोई फ्यूचर बनेगा तब इनको टेंशन होगी, इससे पहले इनको टेंशन नहीं होती. इन गवर्नमेंट सेटअप्स माई कोलीग्स फेस रेप थ्रेट्स, दे फेस ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स. Patient parties have grabbed them in a wrong way, they have assaulted them, molested them, and actually demoralized them in every particular way. एक patient है, उसके साथ उसका एक relative था, और उसके पास gun थी. Literally मैंने उसके पास gun देखी, और वो कह रहा कि treat करो इसको, treat करो. At least हमारे पास कुछ security होनी चाहिए, कोई security guard होना चाहिए, जो हमें थोड़ी security, at least हमें feel तो हो कि हाँ हम secure हैं, अच्छे से काम कर पाएँ. डर के क्या काम करेंगे. एक बंदा आया एक ओल्ड लेडी के साथ, तो हमने अच्छे जो ट्रीटमेंट था मतलब पूरा फॉलो करके दे दिया नर्स को कि आप इनका ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए. लेकिन वो बंदा बोला कि नहीं, इसको ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ाओ. तो वो मेरे अकॉर्डिंग तो उनको रिक्वायर्ड नहीं थी वो चीज़. उसके बाद क्या हुआ, वो बाहर चले गए. उसके बाद वो 30-40 लोगों को और ले आए. जिसको हम बचा रहे हैं वही हमें मारने के लिए रेडी है, तो हम क्यों करेंगे. हम लोगों की सेफ्टी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए इतना सोचते हैं, हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता. IMA डॉक्टर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है. इसका जो मेन पर्पस है वो डॉक्टर्स के जो राइट्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखना है. ये बात ज़रूर है कि हमेशा से IMA को एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की बॉडी की तरह समझा गया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है. बहुत सारी गवर्नमेंट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अब IMA के साथ जुड़ के काम करती हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर्स की जो मेडिकल एजुकेशन है उसको किस तरह से क्वालिटी मेंटेन की जाए उसकी, और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस है मेडिकल प्रैक्टिस उसको एथिकल कैसे रखना है, ये भी इसका काम है. और उसके साथ साथ अगर किसी के साथ कोई जाति हो रही है, किसी डॉक्टर के साथ अगर मेडिकल प्रैक्टिस में उसके ऊपर गलत केस बनाया जा रहा है या उसे फंसाया जा रहा है, तो उसके हकों के लिए लड़ना भी IMA का काम है. आपको छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी IMA के जो सेंटर्स हैं वो मिल जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर्स की एसोसिएशन IMA से जुड़ी हुई मिल जाएगी. पूरे इंडिया में इनके लाखों मेंबर्स हैं. IMA की तरफ से अब सबसे बड़ा इनिशिएटिव यही है कि सभी डॉक्टर्स को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए. IMA भी अपनी तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है, जिसमें कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स की जो इमोशनल वेलबींग है उसको वो इन्हेंस कर सके या उसको बेटर कर सके.